गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट काव्य पंक्ति आराधना के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट काव्य पंक्ति है आराधना। उनके लेखक का नाम है वसंत बापट। उनका जन्म हुआ था सन 1922 में, निधन हुआ था 2002 में। श्री वसंत बापट ख्यातनामक कवि है। यहाँ पे लेख कवि वसंत बापट जो है वो विख्यात कवि कहलाते हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। वसंत बापट का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। पुणे जो है वो वसंत बापट की कर्म भूमि कहलाती है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। राष्ट्र के अंदर सेवा दल के अंदर वो अग्रणी रह चुके हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे हैं। व्यवसाय के अंदर वो प्राध्यापक रह चुके हैं। आपके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। यहाँ पे वसंत बापट ने जितनी भी काव्य पंक्तियाँ लिखी है उन सारे काव्य पंक्ति के अंदर ऑलमोस्ट राष्ट्रभक्ति आपको दिखाई देगी। समाज जागरण के रिलेटेड उनके काव्य पंक्ति लिखी हुई है। उनके अलावा मानवीय संवेदना व्यक्त करती हुई काव्य पंक्ति भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखकर हिंदी साहित्य एवं हम लोगों को दी है। अभी उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है तो के सेतु, बिजली, सकीना, अकराबी, ग्यारहवीं, दिशा, तेजसी आपकी मुख्य रचनाएं हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वसंत बापट का जन्म कहाँ पे हुआ था, वो व्यवसाय में कैसे थे, उन्होंने अपने काव्य के अंदर कौन कौन सी भावनाएं संवेदनाएं ऐड की हुई है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हुई है, वो सारी बातें फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन की गई है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर वसंत बापट आराधना काव्य पंक्ति के अंदर क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक को महत्व दिया है, तो वो सेकंड पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ। यहाँ पे ये जो आराधना काव्य पंक्ति हम पढ़ने वाले हैं उस काव्य पंक्ति के अंदर सत्यम शिवम सुंदरम की जो भावना है वो तो अंदर ऐड है ही, उन्होंने बखूबी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसके उपरांत उनके साथ साथ उन्होंने दीन दुखियों की रक्षा करना, जो गरीब हैं, दीन यानी कि जो गरीब है, जो दुखी है, उन लोगों की रक्षा करना चाहते हैं वो, मानवता की उपासना करना कि जो सभी लोग एक दूसरों की मदद मनुष्य एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने, भेदभावों को दूर करना कि लोगों के बीच में जो भेदभाव छुपा हुआ है वो भेदभाव दूर करना चाहिए, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना कि लोगों के बीच में जो वैर की भावना है, जो नफरत की भावना है, वो उससे मुक्त होकर वो लोग एक दूसरे के साथ मित्रता से अच्छी तरीके से रहे, ऐसी स्थापना यहाँ लेखक करना चाहते हैं। इस काव्य के थ्रू हम सबको यही समझाना चाहते हैं, जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्ताक्षरण करने को प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुवादित है। यह काव्य पंक्ति हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रार्थना मराठी से अनुवादित की गई है। ओके विद्यार्थी मित्रों, अब हम यहाँ पे काव्य पंक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इस काव्य पंक्ति के अंदर आप देख सकते हैं कि हर एक काव्य पंक्ति के अंत में ना वर्ण का उपयोग किया गया है, और ये ना वर्ण जो है वो
11 टोटल 11 है। और हर एक काव्य पंक्ति के अंत में जो शब्द दिया गया है उस शब्द के रिलेटेड ही काव्य पंक्ति का उल्लेख किया गया है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा प्रार्थना, यहाँ पे प्रार्थना तो लेखक कौन सी प्रार्थना करते हैं? देह मंदिर, चित्त मंदिर, एक ही है प्रार्थना। यहाँ पे कवि कहते हैं मेरा देह मतलब मेरा शरीर को मंदिर बना दो, मेरे मन को मंदिर बना दो, हे भगवान ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे प्रभु ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे शरीर को मंदिर बना दो, मेरे मन को मंदिर बना दो, बस यही प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ। हे भगवान, सेकंड काव्य पंक्ति के अंदर कवि आराधना करते हैं, कहते हैं आपसे सत्य, यहाँ सत्य की बात की गई है, जो सुंदर है, मंगल है, वो बोल सकूं, वो मैं आपसे आराधना करता हूँ कि मैं हमेशा सत्य के रास्ते पे चलूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान कर प्रभु। यहाँ पे मेरे मन की मनोकामना यह है प्रभु कि मैं दुखियों का दूर कर सकूं, और मेरी संवेदना क्या है तो कि दूसरों की वेदना परेशानी की परख कर सकूं, इतनी फीलिंग्स दे, जो भी वेदना से पीड़ित हो उन लोगों की वेदना में परख सकूं, उनकी मदद कर सकूं, ऐसी संवेदना ऐसी फीलिंग्स है प्रभु आप मुझे दो। फिर कहते हैं साधना जो दुर्बल है, यहाँ पे कवि कहते हैं मेरी साधना है कि जो दुर्बल है, जिनके पास शक्ति नहीं है, ऐसे लोगों के रक्षण कर सकूं, ऐसे लोगों की मैं रक्षण कर सकूं, इतना पौरुष, यहाँ पे पौरुष यानी कि मतलब होगा ताकत देना, मुझे लड़ने के लिए नहीं जाना है किसी के साथ, बट जो निर्बल लोग हैं उन निर्बल लोगों के लिए मैं सहारा बनूं, इतनी मुझे शक्ति देना है प्रभु, ये मैं साधना करता हूँ। मेरे अंदर प्रभु भावना है, यहाँ पे कवि क्या कहते हैं मेरे अतरंग में भावना, कि मेरे भीतर भावना छुपी हुई है। वो कौन सी भावना छुपी हुई है तो कि एक नए तेज को के साथ मैं अपना जीवन बना सकूं। यहाँ पे क्या कहते हैं लेखक कि मैं मेरा जीवन एक नई चेतना के साथ, यानी कि एक नई तरीके से मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ दूसरों के भले के लिए, ये मेरी भावना है प्रभु। और साथ ही साथ कवि ये कहते हैं कि मेरी ये उपासना है कि हे प्रभु कि हमेशा सुंदरता की आशा रख कर मानवता का एहसास कर सकूं, मेरी अभ्यर्थना है कि प्रभु शौर्य यानी कि बहादुरी पाऊं, धैर्य यानी कि धीरज पाऊं, ये मेरी अभ्यर्थना है। और कवि कहते हैं मेरे में वेद सभी के अस्त हो जाए, सभी अपने वेद को भूल जाए, वासना को भूल जाए, हमेशा मैं कल्पना करता हूँ, यहाँ पे कवि कल्पना करते हैं कि सभी लोग के बीच के अंदर जो वेद की भावना है वो हमेशा के लिए मिट जाए, और उन लोगों के बीच में मानवता की एक एकता हो, यही बस मैं हमेशा कल्पना करता हूँ, यही मैं हे प्रभु आपसे विनती करता हूँ। और लास्ट काव्य पंक्ति के अंदर
कवि जो है वो कहते हैं कि बस मुक्त हम चाहे एक ही हो, यही हो बंधुता की कामना, के सभी के बीच में मित्रता मित्रता की भावना हो जाए, यही मैं कामना करता हूँ। पूरे कार्यपंक्ति के अंदर, प्रस्तुत कार्यपंक्ति के अंदर कवि कहते हैं कि हमेशा कवि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा सत्य के रास्ते पे चले। जो दुखी लोग हैं उन सब दुखियारों का दुख दूर कर सके इतनी शक्ति है प्रभु, हे रे भगवान आप मुझे दो। जो दुर्बल है उन लोगों का मैं रक्षण कर सकूँ, सबके जीवन के अंदर रंग भर सकूँ। जो मनुष्य के अंदर सुंदरता होनी चाहिए वो सुंदरता हर एक मनुष्य के भीतर आए। शौर्य पाऊ, धैर्य पाऊ, और साथ ही साथ कहते हैं कि मनुष्य के बीच के अंदर एकता आए, यही मैं कल्पना चाहता हूँ। और इस तरीके से कवि जो है वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन जो है वो दूसरों के जीवन को अच्छा बना सके। उतनी शक्ति है प्रभु आप मुझे।